नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं द कलर बोर्ड की नई पेशकश। सुनो एक कहानी सुनोगे? धर्मरक्षक कहानी में अब तक हमने सुना कि सरिता अब जान चुकी है कि उसका पति देवेंद्र एक झूठी शान में जीता है और वो किसी गुनहगार से कम नहीं है, बल्कि पुलिस के साथ मिलकर गोरक्षा का गोरख धंधा ही चला रखा है देवेंद्र ने। आइए आगे की कहानी सुनते हैं धर्मरक्षक पार्ट 3 में। इस कहानी के लेखक है अश्वजीत पाटिल और उसे आवाज दी है मयूरा प्रतीक और शालीन ने। शादी तेरा हुआ नहीं क्या? चाय बांट कर जा, निकल कमरे से। सरिता को उस कमरे से निकलने के सिवा कोई और चारा न था। वह जान गई कि उसके पति को दरोगा बेइज्जत कर रहा है और देवेंद्र उस दरोगा का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। एक तरफ गाय काटने वाले का कत्ल कर दिया और दूसरी तरफ खुद गाय का मांस पैकिंग करवा कर विदेश में सप्लाई करवा रहा है। रात में सोने से पहले देवेंद्र सरिता को धमकाने लगा। सरिता, आज तूने जो भी हमारे बैठक में देखा सुना, इस बात का जिक्र इस चार दीवारी के बाहर जाने का मतलब समझती हो? तुम्हारी मौत। मुझे किसी का गला काटते कोई दर्द महसूस नहीं होता। तुम जब भी चाय नाश्ता देने आती हो, अंधी और बहरी बन के आया करो और जितनी जल्दी हो सके कर चली जाया करो, समझी? सरिता बेचैन थी कि इस माह उसे स्त्राव नहीं। उसकी सास घर की सभी औरतों की महावारी का हिसाब रखती थी। उन चार दिनों में उस औरत की परछाई भी किसी पर पड़ जाए तो पूरे घर में कोहराम मच जाता था। वह सोच ही रही थी कि सरिता की सास आधम की। अरे, क्या इस बार तू पिछले कमरे में नहीं जा रही है क्या? पिछला कमरा उस घर का सबसे पिछला कमरा था, जिसमें एक गैस, सिगड़ी, पानी का मटका और कुछ बर्तन थे। उसी कमरे के फर्श पर बिस्तर भी बिछा हुआ था। घर की सभी स्त्रियों को इन चार दिनों में वही रहना होता था। घर के सदस्यों के उठने से पहले ही तकरीबन भोर 4 बजे उठकर नित्यकर्म निपटाकर एवं नहा धोकर उसी कमरे में चले जाना होता था। सास के शब्द कानों से फिर टकराए। क्यों री, सुनाई कम पड़ रहा है क्या? मैंने क्या पूछा, तूने जवाब नहीं दिया? नहीं माँ जी, अभी शुरू नहीं हुआ है। 2 दिनों से मैं भी बेचैन महसूस कर रही हूँ, पता नहीं। दवा खाने गई थी क्या? नहीं। ठीक है, मैं देवेंद्र से कहती हूँ तुझे दवा खाने ले जाए। माँ जी, और 2 दिन इंतजार करते हैं ना, शायद शुरू हो जाए। ठीक है, पर 2 दिन बाद चली जाइयो। 2 दिन क्या, 3रा दिन भी बीत गया पर सरिता जिसका इंतजार कर रही थी वह नहीं हुआ। उसने हिम्मत करके देवेंद्र को उसे दवाखाने ले जाने को कहा। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, बधाई हो भाई जी, बहू माँ बनने वाली। अच्छा, कौन सा महीना है? 2रा ही है भाई जी। ठीक है, तो जांच करवा ले, लड़का है या लड़की। नहीं भाई जी, इस बार पुलिस कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रही है, 1-2 जगह छापे भी पड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप इसकी चिंता क्यों करते हो? यहाँ का प्रशासन और पुलिस दोनों को जेब में लेके घूमते हैं। हम पिछली बार भी किया था, किसी को कुछ पता चला? ठीक है भाई जी, मैं बंदोबस्त करवाता हूँ, आप बहू को 4 दिन बाद ले आइए। यह वही दिन था जब सरिता फर्श पर पड़ी सिसकियां ले रही थी और अपने नसीब को कोस रही थी। सुबह 10 बजे ही देवेंद्र उसे दवाखाने ले गया, जहाँ सोनोग्राफी के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि इस बार भी लड़की है तो दवाखाने से ही तमतमाया चेहरा लिए सरिता के साथ घर वापस आया था और अपने कमरे में पहुंचते ही सरिता को जोर का धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया था। गाली गलौज करते हुए उसे लात मारी थी। आज उसे अस्पताल में भर्ती होने जाना था पर सरिता देख रही थी कि घर का माहौल कुछ अलग ही है। काफी लोगों का तांता लगा हुआ था और लोग देवेंद्र को बधाई दे रहे थे। थोड़ी हिम्मत करके उसने अपनी ननद से पूछ ही लिया, क्या बात है इतने लोग और इन्हें किस बात की बधाई दे रहे हैं? क्या भाभी, आपको पता नहीं, इन 2 सालों में भैया ने तकरीबन 10,000 गायों के प्राण बचाए हैं, इसीलिए उन्हें धर्मरक्षक सम्मान दिया जा रहा है। भैया वही सम्मान लेने जा रहे हैं और आपको अस्पताल छोड़ने की जिम्मेदारी मुझ पर डाली है। सरिता अवाक थी कि क्या वाकई देवेंद्र सम्मान के पात्र है।
पता नहीं कितनी गायों को खुद हलाल करवा कर विदेशों में बेचा है। जो इंसान स्त्री को इंसान नहीं मानता, जिसे लड़की एक बोझ लगती हो, धर्म और संस्कार का ढिंडोरा पीट कर जिसे लोगों के गले काटने में हिचकिचाहट नहीं होती, वह इंसान, वह व्यक्ति सम्मान का पात्र। सरिता अस्पताल के ऑपरेशन रूम में पड़े पड़े यही सोच रही थी कि उसे इंजेक्शन लगवा कर बेहोश किया गया। जब होश आया तो वह अस्पताल के बेड पर पड़ी थी, पेट खाली था और बाहर ढोल ताशों की आवाज थी। द कलर बोर्ड के पॉडकास्ट सुनो, एक कहानी सुनोगे कि ये कहानी धर्म रक्षक आपको कैसी लगी, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कहानी पसंद आई तो तीनों पार्ट्स को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही ऐसी और दिलचस्प और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए द कलर बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए।